सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। उसके बाद वचन की आज्ञाकारी, हालेलुया। सेकेंड पॉइंट क्या है सीक्रेट अभिषेक को प्राप्त करने का मेरे जीवन में? वचन की आज्ञाकारी, मतलब जो वचन मैं चर्च में सुनता था उसके ऊपर चलता था, हालेलुया, उस वचन को मानता था। अगर मैंने ऑफरिंग के बारे में सीखा, मैंने बोना स्टार्ट कर देना। अगर मैंने पवित्रताई में बारे में सीखा, मैंने पवित्रताई में चलना स्टार्ट कर देना। अगर मैंने आंखों की पवित्रताई के बारे में सीखा, गलत देखना बंद। अगर मैंने मुंह की पवित्रताई में सीखा तो मैंने गाली निकालना बंद। अगर मैंने कानों की पवित्रताई के बारे में सीखा, संसारिक सॉन्ग, गंदे सॉन्ग देखना बंद। अगर मैंने मुंह की पवित्रता के बारे में सीखा, दोष लगाना बंद। तो मैंने आज्ञाकारी करना सीखा हर वचन की, प्रभु को पहला स्थान देना, तो मैंने पहला स्थान देना शुरू कर दिया। तो जो वचन मैं सीखता था उस वचन की आज्ञाकारी करो, हालेलुया। लेकिन वचन पर सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। तो ये दूसरा सीक्रेट है अभिषेक को प्राप्त करने का, वचन की आज्ञाकारी करना। जितनी आप आज्ञाकारी करेंगे उतना अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जितनी मैं आज्ञाकारी करता हूँ मेरा अभिषेक बढ़ता है, जितनी मैं अनआज्ञाकारी करता हूँ अपने जीवन में मैंने की और मैं अभिषेक में कम हुआ। तो उसके बाद अब तीसरा पॉइंट सीक्रेट जो अभिषेक में बढ़ने का मेरे जीवन में आया, वो आई होलीनेस, प्योरिटी, होलीनेस, पवित्रताई। देखिए पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रताई के बिना तुम मुझे देख ही नहीं सकते, हालेलुया। तो प्रभु के अभिषेक को आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो होलीनेस मेरी लाइफ में, होलीनेस इंपॉर्टेंट को, होलीनेस की इंपॉर्टेंट मैंने कैसे जाना? जैसे आपको बताया मैंने गिटार बजाना, तो मुझे लगा पवित्रता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे, मैंने देखा कि मैं बार बार चल रहा हूं पवित्रता में, फिर गिर रहा हूं, फिर चल रहा हूं, फिर गिर रहा हूं, फिर चल रहा हूं, फिर गिर रहा हूं। और मेरे अंदर एक ही चीज आई, नहीं मुझे पवित्रता में खड़ा होना है, मुझे खड़ा होना है पवित्रताई में। तो पवित्रताई में खड़ा होने का सीक्रेट मेरे जिन में क्या आया? पवित्र लोगों के साथ संगति करो, सीक्रेट, तो आप पवित्रताई में बढ़ जाएंगे। समझ रहे ना? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो अभिषेक प्राप्त करने के लिए बाइबल के अनुसार आपके जिन में क्या चाहिए, दीवानापन, आज्ञाकारी, अब पवित्रताई बता रहा हूं। दूसरा, उस पवित्रताई को, उस दीवानेपन को, उस आज्ञाकारी को मैंने अपनी जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा कैसे लागू किया? क्योंकि आप कई बार, आप तो पता होता है पर आप लागू नहीं कर पाते जब आपको प्रैक्टिकल प्रीच नहीं मिलता किसी सेवक के द्वारा, हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन को प्रचार करते थे, लेकिन जो यीशु मसीह करता था उसे प्रीच करता था। इसी तरह हमने करना है, जो करना है हमने उसे प्रीच करना है, हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में नहीं है, पवित्रताई के पीछे में प्रचार नहीं कर सकते। तो इसी तरह से क्या है, आपको पवित्रताई में जीवन में कैसे, मेरे जीवन में एंटर किया, करना क्या, कैसे करते हैं सीक्रेट? जे पवित्र लोगों के साथ संगति करो, जो पवित्र दास है, आपको पता है जे रियल मैन ऑफ गॉड है, जेन्युइन है, प्योर है, शुद्ध मन है, पवित्र लोग हैं परमेश्वर के, तो उन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ संगति करो। उठो, बैठो, बातें करो, मिलो, काउंसलिंग करो, फोन पर बातें करो, उनसे मिलो, उनसे अपॉइंटमेंट करो, ऑफिस में मिलो, पवित्र वॉलंटियर देखो अच्छे कौन है, उनके साथ संगति करो, चर्च में अच्छे जो लोग विश्वासी हैं उनके साथ, जो पवित्र है उनके साथ संगति करो। पवित्र लिखे, जैसी तेरी संगति वैसा तेरे साथ होगा। लोहा लोहे को जैसे करता है ना, इसी तरह क्या है, संगति से आप वैसा बनते हैं, हालेलुया। तो इसीलिए आपकी संगति पवित्र लोगों के साथ होनी चाहिए।
तो आप पवित्र जीवन में प्रवेश करते हैं। दूसरी, आपकी अनॉइंटेड चर्च के साथ संगति होनी चाहिए ताकि आप उस पाप में गिराने वाली स्पिरिट से छुटकारा ले सके। मैं बार बार पाप में गिरता था, महीना अच्छा चलना फिर गिर जाना, 2 महीने अच्छा चला पवित्रता में फिर गिर जाना, 3 महीने अच्छा चलना फिर गिर जाना, 4 महीने अच्छा चलना बोल जाओ, 3 महीने के बाद आगे खड़े नहीं पाता था। हालेलुया, बार बार पाप में गिरना, मैं तंग आ चुका था, जितना मैं आत्मा में बढ़ता हूँ फिर नीचे आ जाता हूँ पाप में गिरने के कारण, जितना आगे जाता हूँ फिर पाप में गिरने के बाद फिर वहीं आ जाता हूँ, मैं अपने लेवल को अप करना चाहता था तो मुझे पवित्र दासों की संगति मिली। मेरे लाइफ में मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुनुला जी आए, प्रभु ने मुझे विजन दिया, वो तेरी अगुवाई करेंगे। आप मेरी स्टोरी को जानते हैं, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। उसके बाद मैंने उनके वचन के द्वारा मेरे अंदर आए कि पवित्रता के बिना सेवा कर ही नहीं सकते, हम आराधना कर नहीं सकते, पवित्रता वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सभी मैंने बाइबल में शिक्षा पाई उनके द्वारा। और उसके बाद मैं चर्च में जाना शुरू किया, खंबड़ा चर्च में, जिस तरह उनके चर्च में संगति की, मैंने एक होली चर्च के साथ संगति की, पवित्र चर्च के साथ संगति की, और उसके बाद पवित्र हाथ उनका मेरे सिर पर आता गया, पवित्र हाथ आता गया, मेरी बार बार में पाप में गिराने वाली स्पिरिट मुझे छोड़कर चले गई, डिलीवरेंस हुई, मैं गिरता गया पवित्र हाथ के द्वारा, तेल के साथ अभिषेक होता गया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करता गया उस अभिषेक को, पवित्र हाथ के अभिषेक को। उसके बाद मेरी लाइफ में होलीनेस एंटर की, मैं लंबा समय तक पवित्रता में खड़ा हो गया। हालेलुया, तो आप इस समय सीख चुके हैं पवित्रता के बिना आप सेवकाई को नहीं कर सकते। इसके विषय में अलग अलग चर्च में टॉपिक चलते रहेंगे, सालों बाद फिर पवित्रता को टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि जब तक मान लो आज आप पवित्रता में चलते हैं, आप सोचते प्रभु बार बार वो टॉपिक क्यों मिलते हैं, आप पवित्रता में खड़े थे आप फिर गिर गए, इसीलिए प्रभु ने अपने प्रचारक के द्वारा फिर पवित्रता का टॉपिक ले आया। इसी तरह बार बार प्रीच आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप प्रेयर कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थना का टॉपिक फिर प्रभु के दास के द्वारा आपके लिए आया, समझ रहे ना। तो इसी तरह से लाइफ में होलीनेस इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने बताया अभिषेक को प्राप्त करने के लिए होलीनेस चाहिए। मेरी लाइफ में होलीनेस कैसे आई, पवित्र लोगों के साथ, पवित्र दासों के साथ संगति करने के द्वारा, पवित्र लोगों के साथ संगति करने के द्वारा, उनके पवित्र अनॉइंटेड हाथ के द्वारा, डिलीवरेंस के द्वारा मेरी लाइफ में होलीनेस आई, जो सीक्रेट है मेरी लाइफ में अभिषेक बढ़ने का कारण। जब पवित्रता आपकी लाइफ में आएंगी तो अभिषेक आएगा, पवित्रता आई अभिषेक आया, पवित्रता गई अभिषेक गया, नोट कर लो इन बातों को। आपको देखना है कौन सी बात आपको टच कर रही है, आपने उसे अपनी डायरी में नोट करना है। पवित्रता आई अभिषेक आया, पवित्रता ही गई तो अभिषेक गया। हालेलुया, ये बात याद रखना, पवित्रता ही बढ़ी तो अभिषेक बढ़ेगा, पवित्रता ही कम हुई अभिषेक कम होएगा। हालेलुया, हो सकता है पवित्रता आपकी गई ना हो पूरी तरह से, पर कम हो गई हो, जो भी लेवल है अभिषेक का भी लेवल है, अभिषेक आया तो उसके लेवल भी है। हालेलुया, उसके बाद पवित्रता के द्वारा वो चीजें जीवन में आपकी आती है। पवित्र टाइम में आने के लिए आपको पवित्र संगति आपको इमलिए इंपॉर्टेंट है, यही चीज है पवित्रता का सीक्रेट, पवित्र लोगों के हाथ, पवित्र लोगों के साथ उठना बैठना संगति, तो आप पवित्रता के द्वारा अभिषेक को प्राप्त करेंगे। कितनों को जी अच्छी बात लगी आपके जीवन में, हालेलुया, तो दूसरों से शेयर करो, प्रभु आपको भी अभिषेक देगा। हालेलुया, जे सीक्रेट हमेशा याद रखना। हालेलुया, अब पॉइंट नंबर 4, हालेलुया, 4 हम पॉइंट नंबर की बात करेंगे, क्या आई हमारे जीवन में 4 पॉइंट नंबर, हम्बलनेस मेरी लाइफ में। तो अभिषेक दास जितने भी आप देखते हैं वो हम्बल हैं, जितने भी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड्स आप देखेंगे वो हम्बलनेस उनके अंदर है, नम्रताई, दीनताई, हम्बलनेस उनके जीवन में है, इसीलिए वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है गिरने से पहले घमंड आता है, हम्बलनेस के बाद ऊंचा होना आता है, इसलिए उनके ऊपर अभिषेक आया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम्बल थे, नम्र थे, सब कुछ सह लिया, कि देखो कितना हम्बलनेस, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, यीशु बोलो मुंह से, यीशु का चेहरा देखो, आंखें बंद करो, यीशु का चेहरा देखो, उसका स्वभाव देखो,
फेल हो रही है आपको हम्बलनेस, तो यीशु ऐसे ही सामर्थ देखनी है। सामर्थ किसकी है? यीशु की। अगर यीशु की सामर्थ लेनी है तो यीशु के जैसा बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम्बलनेस आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनॉइंटिंग को लेने के लिए। अब बात आई मेरे जीवन का सीक्रेट, प्रभु ने कैसे अनुग्रह किया मुझे जे हम्बलनेस देने के लिए, प्रभु ने कैसे मेरी लाइफ में हम्बलनेस आई और आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आते थे हम्बलनेस क्या है? देखो मेरे जीवन से हम्बलनेस, जब मैं चर्च में जाता था मैं नीचे बैठता था, ताली बजाके वर्शिप करता था, जे नहीं सोचता था मेरी बेइज्जती होगी मैं ऊंची आवाज में गा रहा हूं ताली बजा रहा हूं, खुल के दीन होता था। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं चर्च के बर्तन करता था साफ, खाना बरताता था, टेंट साफ करता था, और क्या है ये मेरा काम था। नॉर्मल व्यक्ति था यही करेगा। उसके बाद प्रभु मैं एक पोस्ट पर आ गया, मैं आराधक बन गया, प्रभु की गिटार बजा के आराधना करता हूँ। अब भी गिटार बजा के प्रभु के दास के साथ साथ नहीं बैठता, लो जी आप आसर बैठे यहाँ पर आराधक बैठा है ऐसे। मैंने आराधना करके पीछे संगत में आगे नहीं बैठना, आराधना की टीम कहाँ बैठती है, अगर पास्टर के पास से बैठे आगे बैठना। मेरी आदत थी मैंने संगत के बीच में जाके बैठना, आराधना टीम ऐसे नहीं कि नीचे बैठे हैं पर आगे बैठे हैं, बीच में जाके बैठना। हालेलुया। उसके बाद एक टाइम आया जब मेरे पास अभिषेक आया, अब तो घुमंड आएगा ना, अभिषेक आएगा तो घुमंड भी आएगा, याद रखो ये साथ आएगा चीज। जब अभिषेक आया तो इसलिए घुमंड से बच के रहना, अभिषेक आते आते साथ। हम्बलनेस ये इंपॉर्टेंट है। एक समय में मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा बिजी हो गया, मैं सीरियस सा रहना शुरू हो गया, कई मेरी टीम आने डर डर के मेरे सामने, मेरी टीम डर डर के रहना शुरू हो गई और सेपरेट सेपरेट में रहना शुरू हो गया। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, मैंने कहा प्रभु मेरी कमियों को बता, मुझे जांच पर कोई ऐसी कमियां बता जो मुझे नहीं दिख रही। अब प्रभु ने कहा अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है, तेरे अंदर हम्बलनेस तेरी दीनता तेरी कम हो चुकी है, इसे बढ़ा दे। तो मैंने तुरंत लोगों के बीच में घूमना शुरू कर दिया, आम रहना शुरू कर दिया, आम इंसान में। कभी कभी पार्ट आ जाते हैं ऐसे, मैं इसलिए आपको लाइफ में बताता हूँ, ऐसा ना सोचो अभिषेक दास हो तो कभी गिरेंगे नहीं, कभी कमजोर नहीं होएंगे। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में भी घमंड करता हूँ, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवान होता हूँ। याद रखो कोई भी डाउन होना आपकी महानता की ओर लेकर जाता है, तो ही तो आप दूसरों को सिखाएंगे। दाऊद गिरा, इसीलिए तो आज हम सीख रहे हैं, दाऊद ने पश्चाताप किया, हम भी पश्चाताप करके उठ सकते हैं। हम पाप क्षमा के लिए इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा को अलग ना करना प्रभु। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो मैंने फिर अपनी हम्बलनेस को, मैंने लोगों के आपने मेरे देखे हम्बलनेस वाले पार्ट, वो कुछ वीडियो आपको दिखाई जाती है हम्बलनेस वाली, वो इसलिए नहीं दिखाई जाती अपने आप को कुछ महान बनाने के लिए, वो इसलिए बताई जाती कि हमारे स्पिरिचुअल सन्स हमारे साथ जुड़े हुए पास्टर और भी पास्टर उस वीडियोज को देखें, वो भी ऐसे करें। हम खाना बरताते हैं लोगों में, कभी कभी हम जूतियाँ उठाते हैं उनकी, कभी कभी हम उन्हें हक करते हैं, उन्हें लोगों से मिलते हैं, कभी हम संगत के बीच में से आते हैं अपनी जूता जमा करवा के। मैं अपनी टीम से नॉर्मल रहता हूँ, जैसा मैं ऐसा हूँ आपको लगता है मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान की तरह हूँ। अगर मेरा नेचर देखें मैं एक आम है, आप सोचेंगे ये कैसा है। एक व्यक्ति मेरे पास मिलने आया, उसने कहा मैंने आपकी कुछ घर का काम करवाना था, कहता है मैंने आपकी वीडियोस देखी आप ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा पर आप मुझे देख रहे हैं ना, आप तो ऐसे नॉर्मल रह रहे हैं और नॉर्मल। मैंने कहा हम नॉर्मल है, जब मैंने सोच लिया कि मैं बहुत ऐसा है वैसा हूँ तब मेरा मसा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। नॉर्मल रहने का मतलब ये नहीं कि आप इतना लोगों के बीच ऐसे हम्बलनेस दिखाएं और लोग आपका गलत फायदा उठाएं और लोग आपको लाइटली लें और आपका मसा ना ले पाए, ऐसा नहीं। हम्बलनेस, ओवर हम्बलनेस नहीं करनी, समझ रहे ना, बुद्धि के साथ हम्बलनेस यूज करनी है, आत्मिक जोश के साथ नहीं।